वार्ड क्रमांक 12 की रहने वाली नागर मोहल्ला, नागर मोहल्ला ही है। हाँ, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रिया पुष्पद है, मेरे पति का नाम श्याम सुंदर पुष्पद है, मैं राजगढ़ नागर मोहल्ले वार्ड क्रमांक 12 की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? हाँ दीदी दिख गए, ठीक ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। ठीक, गुरुदेव एक लोटा जल आप कहते हो धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए और वापिस जब लौट कर आओ तो बाबा को कहकर आना चाहिए। मैंने वही किया। मेरा बेटा 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। मेरे बेटे ने अब ठान लिया कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा माँ, क्योंकि हो ही नहीं रहा। मैंने अपने बेटे से कहा देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा, धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब जल चढ़ाएगा वापिस लौट कर जब आए तो बाबा से कहकर आना, बाबा आप मेरे साथ चलो और मेरी जिंदगी को सवार दो। गुरुदेव वही क्रम किया। बेटे में भी हिम्मत आई, बल आया और बेटे ने कहा माँ अब तो कुछ भी हो जाए। 3 दिन बेटा शंकर के मंदिर गया और 4th दिन का तब कुछ भी हो जाए माँ सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही, मैं मेहनत भी करूंगा और बाबा मेरा साथ भी देगा। गुरुदेव शिव जी के मंदिर में धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने लगा, आता बाबा से प्रार्थना करता। एग्जाम का टाइम आया, बेलपत्री शहद का प्रयोग करा, मैंने पशुपति व्रत करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, केवल कुछ ही महीने निकले थे, 8 नवंबर 2022 को मेरा बेटा सरकारी नौकरी सब इंजीनियर की परीक्षा हुई, उसमें मेरा बेटा का सिलेक्शन हो गया। 3 जुलाई 2023 को उसने ज्वाइनिंग कर लिया और यहीं राजगढ़ में मोहनपुरा डैम में मेरा बेटा इंजीनियर पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने, बधाई माँ आपको, बैठिए, हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये त्रिकालदर्शी है, ये कैलाशी है।